अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी। ये बहुत ही इंस्टेंट सी रेसिपी है और आप इसको बहुत ही कम वक्त में और कम इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार कर सकते हैं। ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया हुआ है 1 टोमेटो, इसके हमने बीज निकाल लिए थे, 1 मीडियम साइज़ की चॉप हुई हुई ऑनियन, 1 मीडियम साइज़ की चॉप हुई हुई कैप्सिकम, यहाँ पर हमने चीज़ लिया हुआ है, यहाँ पर मोज़रेला चीज़ है, आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, ये हमारी 3 टेबलस्पून मेयोनीज और 3 टीस्पून पिज़्ज़ा सॉस, ये हमने मिक्स हर्ब यूज़ करे हैं, आप चाहें तो इसकी जगह ओरिगैनो भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने 1.5 टीस्पून चिली फ्लेक्स लिए हैं, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और सॉल्ट, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसके बाद हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते जाएंगे। सबसे पहले कैप्सिकम, ऑनियन और टोमेटो को इसके अंदर ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मेयोनीज और चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर। अभी हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने उसको अभी डाल दिया तो वेजिटेबल्स हमारी वाटर रिलीज़ कर देंगी, इसलिए हम सॉल्ट बाद में ऐड करेंगे। अभी हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। यहाँ पर अब हमने लिए हैं ब्रेड, आप चाहो तो इनको इसी शेप में बना सकते हैं, लेकिन हमने पिज़्ज़ा जैसा लुक देने के लिए इनको सर्कल शेप में काट लिया है, ये आप ग्लास से कट कर सकते हैं। इसके बाद हमने इनके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई करी है इस तरीके से, देखिए इसको स्प्रेड कर देंगे। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस अवेलेबल ना हो तो आप टोमेटो केचप भी यूज़ कर सकते हैं। टोमेटो केचप के अंदर आप थोड़ी सी चिली फ्लेक्स ऐड करके केचप को एकदम से पिज़्ज़ा सॉस का टेस्ट दे सकते हैं। अब हम इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे और इसको अब हम ब्रेड के ऊपर रख देंगे। वेजिटेबल्स जितनी भी आपको पसंद हो आप अपने अकॉर्डिंग उसको कम या ज़्यादा इसके ऊपर स्प्रेड कर सकते हैं। इसके बाद हम इनके ऊपर चीज़ ऐड करेंगे, यहाँ पर मैं मोज़रेला चीज़ का यूज़ कर रही हूँ, आपके पास स्लाइस वाली हो तो आप वो भी इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ज़्यादा चीज़ का यूज़ करा है, क्योंकि ज़्यादा चीज़ यूज़ करने से इसका फ़्लेवर जो है काफ़ी इन्हेंस हो जाएगा, आप कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने इसके ऊपर चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं और अब हम इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे मिक्स हर्ब्स, आपके पास वो नहीं है तो आप ओरिगैनो डाल सकते हैं, और अगर आपके पास वो भी अवेलेबल नहीं हो तो आप चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम अपना वेसल लेंगे, उसके अंदर बटर ग्रीस करेंगे और स्लो फ्लेम पर अब हम ब्रेड पिज़्ज़ा को इसके अंदर रख देंगे और 1-2 मिनट तक हम इनको कवर करके कुक करेंगे। जब तक इसकी चीज़ जो है वो अच्छी तरीके से मेल्ट नहीं हो जाती है तब तक हमें इसको कुक करना है। अगर आप चाहो तो इनको 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव भी कर सकते हैं, और अगर आपको माइक्रोवेव में ही बनाने हैं तो इसके लिए आपको ब्रेड को पहले हल्के से सेकना होगा, उसके बाद आप इसको माइक्रोवेव में बना सकते हैं। और ये देखिए तवे पर हमारे कितने अच्छे तरीके से ये तैयार हैं ब्रेड पिज़्ज़ा, देखने में कितने टेस्टी लग रहे हैं और इनका कलर भी कितना अच्छा लग रहा है, एकदम पिज़्ज़ा जैसा। ये रेसिपी अक्सर बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है और ये बहुत ही जल्दी तैयार भी हो जाती है। ये देखिए हमारी चीज़ कितनी अच्छी तरीके से मेल्ट हुई है। ये हमारा मिनी पिज़्ज़ा डोमिनोज स्टाइल में रेडी है, और आप इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।